श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस का जो हम एक अभिप्राय लेके निकले थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, जो हमें एक काम सौंपा गया था, उसी काम के तहत हम मेरठ जैन नगर में पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब, पंडित जी महाराज साहब आदि ठाणा तीन के श्री चरणों में हम लोग पहुँचे हैं। हरियाणा से हमारे महामंत्री राजेंद्र जी और रविंदर जी और विनोद जी, और रविंदर जी का सुपुत्र अंश जो एक एनजीओ चलाते हैं वो भी हमारे साथ हैं। और हम आज हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो यहीं मेरठ से हैं श्री पुष्कर जी, तो हम उनके नेतृत्व में ये सारा काम करेंगे आज। और हमारे युवा शाखा के जो महामंत्री हैं श्री पुनीत जैन मुजफ्फरनगर से, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो गुरुदेव जैन कॉन्फ्रेंस आपके श्री सेवा में चरण वंदन नमन करती हैं और आपकी वंदन सुख साता पूछती है। इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस से पधारे सभी पदाधिकारियों का श्री एस एस जैन साहब रजिस्टर्ड जैन नगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जैसा कि अभी विमल भाई ने बताया और गुरुदेव ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पारस मोदी जी का एवं आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब ने जो भी आदेश पारित किए हैं उनका पूरा अनुपालन होगा। कल ही गुरुदेव के साथ बैठकर मंत्रणा हुई थी कि जैन नगर में किस तरीके से किया जाए, तो 4 तारीख से चतुर्मास प्रारंभ होगा, उसी दिन से प्रत्येक घर में 1 घंटे का जाप और घर का प्रत्येक सदस्य 5-5 माला करेगा और प्रतिदिन 1 आयंबल जैन नगर में किसी परिवार से होगा। 14 तारीख तक के लिए गुरुदेव ने ऐसा प्रोग्राम दिया, उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी उसी के अनुसार 14 अगस्त तक ये कार्यक्रम इसी तरीके से चलेगा। उसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में जैसा भी यहाँ की स्थिति होगी उसी के अनुसार आगे कार्य किया जाएगा। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने एक बहुत ही उच्च कार्य, ये जो थर्मामीटर और मास्क आप हर स्थानक में दे रहे हैं एक बहुत ही उच्च कार्य है, और जिन्होंने ये प्रदान किए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस मोदी जी का भी मैं पुनः एस एस जैन सभा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जैन भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ और सम्मानीय सदस्यों का यहाँ पर आगमन हुआ है, और इस महामारी के काल में सुंदर अच्छा उपकरण लेकर के यहाँ पर आए जिससे हम अपना और सभी का बचाव कर सकें, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं रक्षित बने और दूसरे को सुरक्षा प्रदान करें, और विशेष नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और शरीर भी सुरक्षित रहेगा। इस सभी को ध्यान रखना है, और आत्म जैन चैनल के माध्यम से जो सुंदर व्यवस्था बनाई जा रही है, सबको प्रचारित करके सूचना दी जा रही है, इसके लिए चैनल के सभी भाइयों को भी बहुत बहुत मंगल कामना, मंगल भावना, और यही मंगल कामनाएं करते हैं पंचह परमेष्टि नमोकार महामंत्र की मंगल कृपा से सभी जन सुरक्षित रहेंगे और आनंद में रहेंगे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। आप सभी आने वाले भाइयों को बहनों को हार्दिक मंगल भाव, हम तीनों संतों की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति, ओम गुरुदेवाय नमो नमः। शरण पवज्जामि केवल एक शरण पवज्जामि।